में राबड़ी देवी के आवास पर शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम पहुंच गई। लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के ग्रुप डी बहाली में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने घंटों छापेमारी की। आपको बता दें कि इस दौरान सीबीआई टीम के द्वारा राबड़ी और तेज प्रताप को अपशब्द कहे जाने की भी बात सामने आ रही है, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध भी किया। हालांकि तेज प्रताप के समझाने पर लोग शांत हो गए। इस बीच सीबीआई की कार्यवाही खत्म होने के बाद लालू यादव की पत्नी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि राबड़ी आवास पर छापेमारी खत्म होने के बाद सीबीआई बाहर निकलने लगी तो राजद कार्यकर्ता ने विरोध के नारे लगाने शुरू कर दिए। वह सीबीआई को बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। मामला देखते ही राबड़ी देवी अपने आवास से बाहर आ गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वही उग्र लोग नहीं मान रहे थे। तभी राबड़ी ने सीबीआई के सामने ही एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। माजरा देख बगल खड़े तेज प्रताप भी चौंक गए। आपा खो बैठी राबड़ी देवी से तेज प्रताप ने भीड़ से अलग होने के लिए कहा। हालांकि फिर मामला शांत हो गया। विरोध में नारेबाजी के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की टीम को वापस जाने दिया। देर रात तक पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं का जामवाड़ा लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।